हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले, क्योंकि जिस सवाल का आंसर उसमें दिया था हमने, वो आज भी सबके साथ है, बहुत लोगों के साथ है। आप जो देख रहे हैं, आप लोगों में से भी वो क्वेश्चन किसी ना किसी का होगा, या फिर आपके किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के मन में वो प्रश्न होगा कि मेरी शादी कब होगी। तो शादी के ऊपर ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन वाला वीडियो है, अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मूलांक क्या है। जी हाँ, इसमें दो नंबर्स की हम बात करेंगे, मूलांक और पर्सनल ईयर। मूलांक और पर्सनल ईयर, मूलांक वो है जिसको हम ड्राइवर नंबर भी कह देते हैं, ठीक है, प्राइमरी नंबर भी कहते हैं। तो मूलांक और पर्सनल ईयर, ये दो नंबर्स हम कैलकुलेट करेंगे। आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा, नहीं आता जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बार जल्दी से बता देता हूं कि मूलांक होता क्या है। इसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आइए, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें से मूलांक क्या है, तो मूलांक की जो कैलकुलेशन है वो डेट से निकलती है। डेट यानी कि 25 हमारी डेट है। अभी आप इसको भूल जाओ, सिर्फ इसे याद रखो मूलांक निकालने के लिए। किसी किसी का 1 से लेकर 9 तक के बीच में होगी डेट, और बहुत लोगों की 10 से लेकर 31 तक होगी डेट, ठीक है जी। तो जिसका 1 से 9 के बीच में है उसका तो वो एज इट इज हो जाएगा, और जिसका 10 से 31 के बीच में है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे यहां 25 है तो हम 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस इंसान का मूलांक जो है वो 7 है। इसी तरीके से आपको अपनी मूलांक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप अपनी मूलांक कैलकुलेट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब जब मूलांक आपने कैलकुलेट कर ली है तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का। नाउ पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है, उसमें हमको ये डेट भी लेनी है, यानी कि आपका मूलांक भी लेना है और आपका मंथ भी लेना है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ उसको भी लेना है। यानी कि इस केस में क्या होगा, ये जो साल है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए। परंतु अगर इस साल को नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर कौन से साल को लेना है, तो वो साल लेना है प्रेजेंट ईयर को। जी हाँ, जो आपका अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर जिसको हम कहते हैं वो। तो अब जैसे अभी 2024 चल रहा है, बट अगर आप अभी देखने जाओगे कि मेरी शादी इस साल होगी कि नहीं होगी, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2-2.5 महीने बचे हैं, तो हम 25 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या अगले साल मेरी शादी हो सकती है क्या। तो पर्सनल ईयर जब भी आपको निकालना है तो जिस भी साल का निकालना है आपको, वो साल आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। 2025 का निकालना है, 26 का निकालना है, 27 का निकालना है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे 2025 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो 2025 का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए इन सारे डिजिट्स को हमको ऐड करना होगा। चलिए ऐड करते हैं, 2+5+7+2+0+2+5। अब इन सारे डिजिट्स को जब ऐड करेंगे तो उसका टोटल कितना आएगा, 2+5=7+7=14, 14+2=16, 0 हटा दो 16+2=18, 18 और 5=23। और 2 और 3 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2+3=5। यानी कि जिस भी इंसान की ये डेट ऑफ बर्थ होगी 25 जुलाई 2000, उसका 2025 में जो पर्सनल ईयर आएगा वो आएगा 5 उसका पर्सनल ईयर बनेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसी तरीके से आप 2024 का भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ 2024 होता, यानी कि एक साल कम हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक है। 26 का देखना है तो +1 कर दो, ऑब्वियस ही बात है, तो वो 6 हो जाएगा, फिर वो 7 हो जाएगा, फिर 8, ऐसे ही एक एक आप बढ़ा सकते हो। जहाँ पर 10 आएगा तो 10 को फिर सिंप्लीफाई कर दोगे 1+0, फिर वो 1 ही आएगा, यानी कि पर्सनल ईयर भी 1 से लेकर 9 तक ही चलेंगे, ठीक है जी। तो आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लो, जिसको जो भी शादी के लिए देख रहा है। देखिए ये वीडियो कई लोग देखते हैं, 12 साल के लोग, 15 साल के लोग कहते हैं, अच्छा मेरा पर्सनल ईयर तो नेक्स्ट ईयर आ रहा है शादी का, मैं तो अभी 14 साल का ही हूँ, मैं तो 15 साल का ही हूँ। भाई ये वीडियो उनके लिए है जो कि
शादी करने के लिए तैयार हैं अभी, जिनके घर वाले ढूंढ रहे हैं पार्टनर, जो खुद भी चाहते हैं कि आप मेरी शादी हो जाए, या जिनकी कई बार एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 27, 28, 30 साल के हो गए परंतु अभी तक शादी नहीं हुई है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। ये उन लोगों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। व्हेन यू आर रेडी मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए ये वीडियो बताया, उसके लिए कैलकुलेशन हमने समझाई है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आपने क्या किया, अब इस जो एग्जाम्पल है इसके हिसाब से हमारा जो मूलांक आया था वो आया था 7, 2 और 5 को ऐड करने से, और पर्सनल ईयर जो आया था वो है 5। ठीक है, 7, 5, 7, 5। अब इन दो नंबर्स को ही हमें याद रखना है। मूलांक पर्सनल ईयर, मूलांक पर्सनल ईयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब कैसे चेक करें, पर्सनल ईयर तो निकाल लिया, मूलांक भी निकाल लिया, अब कैसे चेक करें कि मेरी शादी अगले साल हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैं तो 26 साल का हो गया हूँ, 27 साल का हो गया हूँ, 24 साल का हो गया हूँ, क्या मेरी शादी अगले साल होगी। तो अब आपके सामने एक टेबल आ रही है, इस टेबल के अंदर आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पॉज कर पूरी टेबल को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस टेबल में आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करो जो लेफ्ट साइड में जो कॉलम आ रहा है वो है मूलांक का, ड्राइवर नंबर का। इसमें ढूंढो आपका ड्राइवर नंबर कहाँ है, ढूंढ लिया, उस नंबर के जो सामने पर्सनल ईयर के प्रोबेबल पर्सनल ईयर्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी है कि इन पर्टिकुलर पर्सनल ईयर्स में आपकी शादी हो सकती है। मान लीजिए इसी केस को ले लेते हैं, अगर मूलांक आपका 7 है तो अब 7 के सामने आप देखिए कौन कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं पर्सनल ईयर वाले, और आपका अगर पर्सनल ईयर 5 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 5 लिखा है उसमें, अगर लिखा है तो चांसेस हैं कि आपकी शादी अगले साल हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके यहां पर 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, इसी केस को ले रहे हैं अभी कि इस केस के अंदर अगर 4 आ रहा है सामने, 5 नहीं आ रहा, 4 के बाद फिर सीधा 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि चांसेस जो थे या तो इस साल थे, अब इस साल तो हुई नहीं तो अगले साल नहीं है, क्योंकि अगले साल का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो अब कब चांस है, जब पर्सनल ईयर 6 आएगा, यानी कि 2026 में आपके चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सकती है। इसी तरीके से आपको अपना मूलांक निकालना है, अपना पर्सनल ईयर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच ही नहीं रहे कि आप 2025 में शादी करेंगे, आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं तो 2028 में शादी करना चाहता हूँ, क्या उस साल मेरी शादी हो जाएगी। अब आप अपना मूलांक ले लो, मूलांक के आगे आप अपना 2028 वाला पर्सनल ईयर ले लो और देख लो, अगर वो आ रहा है इसका मतलब आपकी 2028 में शादी होने के बहुत प्रोबेबिलिटी है, ज़बरदस्त स्ट्रांग चांसेस हैं। मान लो आपका पर्सनल ईयर आया 7, 2028 का, पर उसमें 7 नहीं है, 8 है, इसका मतलब क्या है, 2028 में थोड़ी सी कम है चांसेस, 29 में हो सकती है, पर इसमें क्या होगा, हो सकता है आपकी सगाई पहले हो जाए। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप पुराना भी देख सकते हो, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी चेक कर सकते हैं कि उनका पर्सनली उस समय क्या चल रहा था और क्या वो आपकी मूलांक वाली टेबल में आपके सामने आ रहा है क्या। आप बोलोगे कि मेरा तो आ ही नहीं रहा, मेरा तो अगले साल का आ रहा है, परंतु आपकी सगाई हो सकता है उसी साल हो गई हो, आपका रोका हो गया हो, ठीक है जी। तो और अगर किसी का मैच नहीं करता तो घबराने वाली बात नहीं है, मेरा मैच करता है, मेरी वाइफ का मैच नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 70-80% चांसेस हैं कि आपका मैच कर जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।